सो है दोस्तों, कैसा आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फेसबुक फॉलोअर ब्लॉक के बारे में, जो काफ़ी दिनों से मेरे फॉलोअर ब्लॉक के अनलॉक होने का कोई नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस वाला प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे कर सकते हो आप लोग? काफ़ी सारे वीडियो शायद यूट्यूब के अंदर देख लिया, काफ़ी सारे टिप्स शायद आप लोग आसमा के भी देख लिया, फिर भी आपका फॉलोअर ब्लॉक का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐसे टिप्स के बारे में बात करूंगा, जो टिप्स सुनने के बाद उम्मीद करता हूँ आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों सारे टिप्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा तक देखना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको फेसबुक पर ड्रिप्स तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेगी। इसके लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग काफ़ी सारे टिप्स को काम पे लगाए ना, फिर भी हमारा प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं हो रहा है। तो देख लो मैंने भी अभी एक टिप्स काम पे लगाऊंगा, तो फिर प्रॉब्लम का हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको फेसबुक आईडी को ओपन करना है, जो आईडी का फेसबुक के अंदर फॉलोअर ब्लॉक है, ठीक है। उस आईडी ओपन करने के बाद कॉर्नर में आपको थ्री डॉट देखने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हो। फाइनली थ्री डॉट को आप लोग क्लिक कर देना, ठीक है। थ्री डॉट को क्लिक करने के बाद आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो ओपन होने का थोड़ा सा स्क्रॉल करना। यहाँ पे आपको दिखाएगा सेटिंग ऑन प्राइवेसी, तो सिंपली आप लोग सेटिंग ऑन प्राइवेसी क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना, आपका सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने का देख सकते हैं पे लिखा आ रहा है सेटिंग, तो सिंपली आप लोग सेटिंग को क्लिक कर देना, ठीक है। जो सेटिंग को क्लिक करने के बाद कुछ तरह इस तरह का इंटरफेस आपका सामने ओपन हो जाएगा। जो इंटरफेस ओपन होने के बाद देख सकते हैं लिखा आ रहा है सिंपली इस तरह का इंटरफेस आपका सामने ओपन हो जाएगा, तो सिंपली आप लोग इसको क्लिक कर देना, ठीक है। जो इसको क्लिक करने का देख सकते हो आपका सामने फिर से इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जो ओपन थोड़ा सा स्क्रॉल करना, थोड़ा सा स्क्रॉल करने का देख सकते हैं अकाउंट वाला ऑप्शन आपका सामने नजर आ रहा होगा, तो सिंपली आप लोग इसको क्लिक कर देना। तो इसको क्लिक करने का देख सकते हो आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जो ओपन होने का देख सकते हैं यहाँ पे आपको अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल्स में बोल रहा है, ठीक है। जो आपको अकाउंट का क्या है, नंबर पासवर्ड, यहाँ पे सब कुछ आपका देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली आपको नीचे वाले सेक्शन को क्लिक कर देना, ठीक है। जो नीचे वाले सेक्शन को क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद देख सकते हो आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जो ओपन होगा देख सकते हो यहाँ पे लिखा रहा है डिलीट एंड डीएक्टिवेट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा आपका सामने नजर आ रहा होगा, तो सिंपली आप लोग इसको क्लिक कर देना, ठीक है। इसको क्लिक करने का देख सकते हो आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप लोग इसको डीएक्टिवेट करना चाहते हो आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट और फेसबुक आईडी का अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग फेसबुक आईडी का अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली हम लोग फेसबुक को क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने का देख सकते हो यहाँ पे लिखा रहा है डिलीट एंड डीएक्टिवेट, ठीक है। तो हम लोग डीएक्टिवेट करना चाहते हैं ना, तो सिंपली हम लोग डीएक्टिवेट कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे मार लेंगे, मारने का देख सकते हो आपका पेज होगा, तो आपको पेज के अंदर कुछ बोलेगा मेरे पास पेज है, तो इसलिए मैं पेज को भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो वहीं पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने का देख सकते हो आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहीं पर आपका फेसबुक आईडी के पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड आपका फेसबुक आईडी के वही पासवर्ड पे डालना होगा सबसे पहले, ठीक है। याद रखना आपको पासवर्ड देने के लिए जरूरत है, आपको फेसबुक आईडी का सिक्योरिटी की तरफ से आपको पासवर्ड मांगेगा। आप लोग पासवर्ड दे देना, कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहीं पर कंटिन्यू पे मार देंगे हम लोग पासवर्ड डालने के बाद। तो ये पे थोड़ा सा लोडिंग होगा, ये पे सेव करने के लिए बोला, मैं बोलूँगा सेव नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये पे देख सकते हो डीएक्टिवेट ओबी बैग, ठीक है। तो ऊपर वाला सेक्शन को आप लोग क्लिक कर देना, थोड़ा सा स्क्रॉल करना, थोड़ा सा स्क्रॉल करना, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। जो कंटिन्यू पे क्लिक करने का देख सकते हो आपका सामने पूरा आर्टिकल खुल के आएगा, जो क्या है, किस बात से डीएक्टिवेट करना चाहते हो, आपका दिक्कत क्या है, उसे सारे आर्टिकल है, ऐसा कुछ मत देखना, ठीक है। तो सिंपली आप लोग देख सकते हो नीचे वाले सेक्शन आ रहा है, कितना दिनों तक आप लोग डीएक्टिवेट करना चाहते हो। तो सिंपली आप लोग इसको क्लिक कर देना। क्लिक करने का देख सकते हो कितना दिनों तक आप लोग डीएक्टिवेट करना चाहते हो। आप लोग 7 दिन के लिए कर सकते हो, 6 दिन के लिए कर सकते हो, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, आप लोग 1 दिन के लिए इसे सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद 1 दिन के लिए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू को डन पे मार देना, ठीक है। जो डन पे मारने के बाद आपका फेसबुक आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मैं भी डीएक्टिवेट डन पे मार दे रहा हूँ, मारने का मेरा फेसबुक आईडी डीएक्टिवेट हो चुके। तो आप लोग इस आईडी वापस कब आएगा, ठीक है। आप जितना टाइम इस टाइम डीएक्टिवेट कर रहा हो ना, कल उतना टाइम आपको फेसबुक आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगा। जो होने के बाद ये पे देख सकते हो, और भी मेरे को बोल रहा है, जो ग्रुप वगैरह कुछ भी है तो आपको ये पे सब कुछ डीएक्टिवेट हो जाएगा। मैं ये पे फिर भी बोल रहा हूँ डन, ठीक है। तो मैं डन मार दिया, तो मेरा आईडी शायद डीएक्टिवेट अभी हो जाएगा। होने के बाद अभी जितना टाइम आप लोग डीएक्टिवेट कर रहा हो, कल उतना टाइम आपका फेसबुक आईडी दोबारा बैक आ जाएगा, ठीक है। आप लोग टेंशन लेने को कोई बात नहीं, फिर भी दोबारा आपको फेसबुक आईडी लॉगिन करने के लिए कोई जरूरत भी नहीं, ठीक है। आप लोग लॉगिन मत करो, आज कितना टाइम आप लोग डीएक्टिवेट कर रहा हो वो टाइम आपको एक बार याद रखना, ठीक है। उस टाइम आप लोग फेसबुक आईडी को फिर से ओपन करना, आप लोग को फेसबुक आईडी उस टाइम दोबारा वापस आ जाएगा। जो आने के बाद आप लोग थोड़ा सा यहीं पर फेसबुक आईडी को ओपन करना, ओपन करने के बाद आप लोग फिर से दोबारा वहीं फिर जाकर सपोर्ट वगैरह मारा करो, फिर भी आपको फॉलोअर ब्लॉक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना। उम्मीद करता हूँ आपको सारे कुछ समझ में आ चुके। तो दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम का आपको कोई भी बंदे के साथ हो रहा है, उसके बाद शेयर करना। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है, ठीक है।